क्या अमेजिंग व्यू है यार मॉर्निंग का यहाँ से। हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। सो गाइस, ये हमारा यहाँ पे डिनर का, तो ये हमारी तरफ से पिज़्ज़ा, टेस्ट कर लो अब तो इतना ही। ये है हमारी गाड़ी के अंदर भी सेटअप। तो गाइस, सुबह 3 बजे का ना प्रेडिक्शन दिखा रहा है स्नोफॉल का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एयर इन्फ्लेटर टेंट है। और बिग थम्स अप टू घुमक्कड़ बग्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो सारा सेटअप सबका हो चुका है डन, देख लो कितनी सारी गाड़ी आ गई है। अभी मैं थोड़ा सा ना ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको दिख जाएगी ओवरऑल सेटअप कैसा किया हुआ है लोगों ने। तो अभी एक नया व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और ये देख लो, शाम की तैयारियां करनी शुरू हो चुकी है, सबने टॉप वॉप लगाई हुई है क्योंकि बारिश भी आ सकती है। सुबह मॉर्निंग में बहुत तगड़ी बारिश हुई है, अभी भी है क्लाउड्स, तो अगर नाइट में आएगी तो सबने अपना अरेंजमेंट उसी के अकॉर्डिंग कर लिया। बाकी कुछ लोगों ने लाइट्स का सेटअप भी कर लिया है क्योंकि अब थोड़ी देर में, अभी टाइम दिखा देते हैं आपको, वेट टाइम हो चुका है 3:49, तो 2 या 2.5 घंटे में रात भी हो जाएगी, तो इसलिए सबने अपना नाइट का सेटअप भी पूरा डन कर लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नए व्लॉग को। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा, तो चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं। शिवी फोन देख रही है? Yes. ये तो बहुत गंदी बात होती है फोन देखना, ना बच्चों को फोन नहीं देखना चाहिए। अरे फेंक दिया शिवी ने। चलो भाई पिज्जा बनाते हैं, बाकी हमने चॉपिंग कर ली है। चॉपिंग ये देखो रिद्दू, ये देखो। और यहाँ पे भी चॉपिंग है। ओके गाइस, मैं बनाने वाला हूँ। मैं एक हम रात बनाएंगे, एक अभी बनाएंगे। हाँ, हाँ। और इसको क्या बोलते हैं, पिज्जा बेस। शिवी भी आ चुकी है। तो शिवी, ये मेरी सिस्टर, मतलब कजन। शिवी हेलो करो सबको, व्यूअर्स को। हेलो। शिवी खा रही टॉफी। हाँ। ओहो कितनी गंदी टॉफी, अपने टीथ्स कितने गंदे हो गए शिवी के और निया के। यार मेरे टीथ खराब हो गए। कितने खुश हो गए बताए। पर टॉफी खाना हम छोड़ नहीं सकते, टॉफी खाना फिर भी हम छोड़ नहीं सकते। सो गाइस, पिज्जा अपना जा चुका है अंदर और इसको कर दिया हमने भाई फ्लेम ऑन। दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये देखो फ्लेम ऑन हो चुका है, थोड़ी देर इसको रखेंगे, उसके बाद बनेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अरे वाह, अरे वाह, ये देखो दांत, देखो निया के गायब, शिवी के देखो, शिवी के भी गायब। सो गाइस, हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है, ये पार्टी, एक्साइटमेंट दिखाओ सिस्टम ब्रो। तो भाई ये थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें, बट देख रहे हैं पूरी देखभाल से चल रहा काम। सो गाइस, हमारा पिज्जा बन भी चुका है और पेट के अंदर भी जा चुका है। ये देखो कैसा बना, अच्छा। रिद्धू को भी चाहिए, रिद्धू को थोड़ा अच्छा ज्यादा खिलाओ। पीछे से जला हुआ है। ओ ये तो बताना ही नहीं था। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं सब्जी, तो मेन कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं पिज्जा के साथ साथ। यहाँ पे बच्चे अभी पिज्जा खा रहे हैं और उसकी कंप्लेंट भी कर रहे हैं, तो भाई ये बच्चों का ऐसा ही है, खिला भी दो और उसकी कंप्लेंट भी कर रहे हैं। आज के बाद नो पिज्जा। तो यहाँ पे अभी हम पहले बुआ के लिए बना रहे हैं विदाउट अनियन और फिर अपनी वाली बनाएंगे अनियन के साथ। सो गाइस, हमारा चीला भी रेडी हो चुका है, रिद्धू खा रहा चीला। सो गाइस, ये हमारा यहाँ पे डिनर कम लंच कम कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि लंच हमने किया नहीं था, ब्रेकफास्ट ही बनाया था। बाकी हमने चीला और ये कुछ मिक्स वेज वाली सब्जी और उसके साथ साथ यहाँ पे खीरा, अभी ये बन रहा है फुल ऑलिव ऑयल के साथ। तो ये खाना वाना खाते हैं, बाकी
सारी तैयारियां भी चल रही है नाइट के लिए, दिखाएंगे आपको वो जैसे जैसे रात होगी ना। और अभी मेरे को लाइटिंग का सेटअप भी करना है जो कि अभी पेंडिंग है, तो उससे पहले खाना खा लेते हैं, भूख लगी बहुत। सो गाइस अपना पिज्जा फेज टू भी अपना हो चुका है, और बट ये इसमें से कुछ स्लाइसेस हमने खा लिए हैं और कुछ स्लाइसेस हम अपने नेबर्स को भी खिला के आते हैं क्योंकि आज बहुत ज्यादा फैमिलीज आई हुई है अपने साथ में कैंपिंग करने के लिए, तो एक बार सबको भी खिला देते हैं। एक्सक्यूज मी, पिज्जा हमारा से टेस्ट कर लो। अभी दो भी यही बनाए हैं। नहीं ये लेके आए हैं बेस, अच्छा बाकी सब यहीं पे बनाए हैं। फ्राइंग पैन में बनाया? हाँ फ्राई पैन में कवर करके। कर लो टेस्ट, कोई नहीं क्या हो गया। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी, पिज्जा हमारा से पिज्जा बनाया? हाँ ट्राई किया कुछ। एक से बढ़कर एक कलाकार है। मजे ले रहे सब इसी चीज के। बहुत ही ठीक है, बहुत बढ़िया। सच बताओ फीडबैक, ठीक है जेन्युइन जेन्युइन फीडबैक देना है। कैंपिंग में एक तो वैसे भी स्वाद आता ही है। हाँ वैसे भी आता है, खुद से कुक करते हो ना वैसे ही अच्छा लगता है। स्वाद आता ही आता ही आता है, मतलब बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ खुद ही बनाया, थैंक यू सो मच। ये है कपिल भाई की वाइफ, वैसे चिक्की चिक्की भाभी नाम सुना है मैंने तो, और इसके अलावा क्या नाम है आपका, रियल नेम क्या है? भाविशा। अच्छा भाविशा, जी भाविशा। ओके तो ये हमारी तरफ से पिज्जा, टेस्ट कर लो। अब तो इतना ही स्लाइस बचा है, लास्ट आपका ये। ओके बच्चों भी खिला लो। शिवाय मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ इनसे, इसको पिज्जा खाना है। सो गाइस हमारा टेंट भी दिखा देते हैं आपको अंदर से कैसा है, मैंने अभी तक टेंट दिखाया नहीं है। ये बुआ सो रही है हमारी यहाँ पे, दीदी सो रही है, ये देखो बुआ कैसा मजा आ रहा है फर्स्ट टाइम टेंट में सोने में। अंदर अंदर ठंड तो नहीं लग रही, ठीक है ना? ये देखो बच्चे सो रहे हैं सारे, ये देखो शिवी को, शिवी का मोबाइल नहीं चल रहा, इसको यहाँ भी मोबाइल चलाना है, एक मिनट रुक जा। सो गाइस हमने आपको टेंट का सेटअप तो दिखा दिया, बाकी ये है हमारी गाड़ी के अंदर भी सेटअप जिसके अंदर भी दो लोग आ जाते हैं आसानी से। ये देखो ये पूरा सेटअप, स्लीपिंग बैग वगैरह, ये देखो और सारा सामान हम आगे रख देते हैं दो सीट्स पे, तो इस तरीके से हमारी गाड़ी के अंदर भी सेटअप हो जाता है। बाकी मैं अभी थोड़ी देर लेट रहा हूँ यार, क्योंकि ना कमर सीधी करनी है, जब से ना बस खड़ा ही हूँ और 9:14 हो चुके हैं, बट अभी बॉनफायर के लिए हम जाएंगे बाहर, तो अभी थोड़ी देर पैर वैर सीधे कर लेते हैं। सब ने अपनी गाड़ियों में लाइट्स वाइट्स लगा रखी हैं, बाकी बॉनफायर का अरेंजमेंट भी हो गया है, कहीं तो हुआ है देखते हैं। इधर भी पूरा सेटअप है, मतलब दे आर अराउंड 79 ओवरलैंडिंग कार्स जिन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। इधर है, इधर इधर देखते हैं किसी का बर्थडे है। देख लो थार को, देख लो थार, थार अलग से ढूंढ रहे हैं लोग थार वाले। ये देख लो भाई विकास भाई की गाड़ी में कुछ तो बनाया है, कुछ अलग बनाया है भाई ने। व्हाट इज दिस, खुशबू तो अच्छी आ रही है पर ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि दही की खटास आ गई इसमें थोड़ी सी। अच्छा टेस्ट किया है? मतलब मैंने देखा पर बोलते क्या है इसको, अपे आ गई आपे, खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ कलर वाला उसी की स्मेल आई ना। मैं जिसे प्यार से छूलू जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ये देखो ये कहाँ पे, ये देखो ये आ चुकी है आपकी फ्रेंड। अरे पर गाड़ी में नहीं, गाड़ी में नहीं। बेटा ये अब नहीं खेल रही है अब ये, अच्छा बाहर ही खेलो, बाहर खेल लो। मैं
सो गाइस सुबह 3 बजे का ना प्रेडिक्शन दिखा रहा है स्नोफॉल का, ओ सॉरी स्नोफॉल कह रहा हूँ, बारिश का और ओलो का। अभी टाइम हो गया है 10:27, तो हम अपना टेंट है वो एक शेड है हमारे जस्ट पीछे, हमने इसलिए ली थी क्योंकि हमारे साथ फैमिली है, तो शेड के नीचे हम ये वाला टेंट लगा रहे हैं। बाकी गाड़ी में सोने का तो कोई इशू आएगा नहीं, टेंट में इशू आएगा। सुबह 3 बजे का है तो सोने में भी मतलब वही है, सोते रहेंगे उस टाइम पे, तो इससे बेटर है कि हम अभी ये टेंट हम अपना शेड के अंदर ले जाएं। तो ये वाला टेंट सेटअप यहाँ से उठा के अंदर लेके चलते हैं एक बार। कौन सो रहा है, वंश ऊपर है नीचे है? नहीं, वंश सोबा बाहर है, अभी कोई भी नहीं। आ जाओ आ जाओ, एक बार टेंट दिखाते हैं। आओ लाइट जलाओ उसका पहले, ऑन करना। कहाँ से ऑन होगी, लाइट ऑन करते हैं। सो गाइस अभी एक एयर इन्फ्लेटर टेंट भी लिया है हमारे कालीन ब्रो ने, तो एक बार वो भी आपको अंदर से दिखा देते हैं कहाँ पे है। लाइट्स ऑन कर देना, ये देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एयर इन्फ्लेटर टेंट है, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे इधर है इसका वाल, वहाँ से हवा भर देते हैं और ये पूरा टेंट रेडी हो जाता है। ये देखो ये अंदर, ये बालकनी एरिया है और ये है भाई फुल रूम। ये देखो इन्होंने चार पाई, हाँ 1 2 3 4 4 पाई आ जाएंगी इसमें तो आराम से ना, नहीं है ही 4 पर्सन है ना, बहुत बड़ा स्पेस है यार अंदर, ये 4 पर्सन बढ़िया है यार, ये वाला टेंट बढ़िया है। इसको फिर सेपरेटली लोग कर सकते हैं, हाँ हाँ फैमिली के साथ आओ ना तो ये इतना तो होना ही चाहिए सेटअप है। यहाँ पे इस टाइप के सेटअप है पर प्रॉपर नहीं है उस टाइप के। हाँ हाँ हाँ, बाकी ये भाई ने ओपन किया हुआ है और एक इन्होंने यहाँ पे ये वाला टेंट भी ओपन कर रखा है। स्नो वाले माउंटेन्स, क्या अमेजिंग व्यू है यार मॉर्निंग का यहाँ से। और ये सारे लोग भी अब धीरे धीरे उठते जा रहे हैं और टाइम देख लो 6:33 हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे बुआ और दीदी, और ये देखो नज़ारा, मॉर्निंग का नज़ारा देख लो कैंप साइट का। सो गाइज हमारी कैंपर वैन के मॉर्निंग सीन्स कुछ इस तरह, अब ये सारा पैक करके निकलेंगे यहाँ से, तो एक बार सामान सारा रैप करते हैं। आगे भी बहुत सामान पड़ा हुआ है यार, ये सारा सामान, ये पूरा बेड हटा के रैप करने का काम करते हैं स्टार्ट जल्दी से। सो गाइस कैंप साइट को कर दिया है हमने बाय बाय और हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई अब घर की तरफ, और बढ़िया हमने कैंपिंग एंजॉय करी है और टाइम हो चुका है 8:10। कैसी रही भाई कैंपिंग ट्रिप? फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम कैंपिंग करी है, पहले अपने अकेले तो आपने देख ही ली बहुत सारी ट्रिप्स हमारी, मेरी और दीपक की। बाकी अब जल्दी से इंटरनेशनल ट्रिप भी आपको देखने को मिलेगी। अभी निकलते हैं यहाँ से और कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट हमने नहीं बनाया मॉर्निंग में क्योंकि फिर लेट हो जाते, हमें हमारा टारगेट था 8 बजे निकलने का। यहाँ से चुके हैं रामपुर और रामपुर में आपका स्वागत है रामपुरी चाकू के साथ, ये देख रहे हो रामपुरी चाकू चौक है ये। बाकी यहाँ से हम आगे के लिए निकल रहे हैं, तो अभी टाइम हो चुका है 12:53, कॉन्टिन्यूस ड्राइव हो रही है अपनी। अभी एक स्टॉप ले लिया हमने यहाँ पे अपनी ब्लैक बीच, भाई गंदी हो चुकी है जाके इसको वॉश करवाएंगे। यहाँ पे है गन्ने का जूस, तो बुआ को पीना था भाई गन्ने का जूस, तो यहाँ पे एक स्टॉप ले लिया है और टाइम हो चुका है 1:15 और यहाँ पे सामने मेडिटेशन सेंटर, इधर दिखाऊँ कहाँ है ये रहा, तो मेडिटेशन करनी हो तो यहाँ जाना। बाकी ये हाईवे बन रहा है नया वाला, तो उसी का फ्लाईओवर है और यहाँ से तकरीबन 4-4.5 घंटे का रास्ता रह गया अपना पलोल के लिए, जूस पी के फिर निकलेंगे भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ, इतना बढ़िया वेदर था और भाई यहाँ चिलचिलाती हुई गर्मी है। और निया खा रहे हैं यहाँ पे खाना, ये मेरे अलग से भाई मैं खीरा लेके आया हूँ अपने लिए और कुछ खीरा ये दे दिया इन्होंने, बाकी दिखाता हूँ आपको क्या क्या मंगाया हमने। और निया के लिए हमने मंगाया सैंडविच, ये आ चुके हैं राइस हमारे, प्लेन राइस, दाल, एक सैंडविच भी है वेज सैंडविच। और क्या चाहिए मीठे में, क्या चाहिए मीठे में, क्या चाहिए मम्मा देख रही है बताओ, गुलाब जामुन, चलो पूछते हैं इनके पास मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाकी हमारी आज की डाइट है भाई, लंच करते हैं और फिर निकलते हैं। हे गाइस दिस इज अनदर डे, आई होप कि आपको हमारी फैमिली कार कैंपिंग ट्रिप पसंद आई होगी, तो हमारी फैमिली कार कैंपिंग ट्रिप होती है यहीं पे खत्म। व्यूज अगर पसंद आई तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बिग थम्स अप टू घुमक्कड़ बग्स, इतना अच्छा एक ओवरलैंडिंग मीट प्लान करने के लिए। हमारी इंटरनेशनल ट्रिप हमारी स्टार्ट हो रही है 1-2 दिन में, तो वो आने वाले व्लॉग्स इंटरनेशनल ट्रिप के देखने को मिलेंगे, पूरी सीरीज देखना, एक बहुत ही बढ़िया कंट्री हम जाने वाले हैं, आने के बाद ही फिर कुछ ओवरलैंडिंग का प्लान करेंगे। तो इस वीडियो करते हैं एंड, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अच्छे व्लॉग देखने के लिए। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।